उसे कहते जिसमें विनम्रता है, भक्त वह है जिसमें सज्जनता है, सरलता है, वो पानी की तरह तरल है, तरल है वो, तरलीय है वो, और स्वभाव बिल्कुल भक्त का पानी की तरह हो जाता है। जैसे पानी के ऊपर उंगली निकाल दीजिए आप तो उस पर वो लकीर टिकती थोड़ी ही है, भक्त को कोई कुछ भी कह दे उसके यहाँ कुछ भी नहीं टिकता, आवेश भी आता है तो थोड़ी देर के लिए वो भूल भाल जाता है। और जिसके पास में यदि ऐसा है तो वो पानी की तरह तरल हो गया है, और ये भक्त का स्वभाव है पानी की तरह वो बहता है, लोगों के कष्ट लोगों की परेशानियाँ उसे अपनी परेशानी लगती हैं, किसी को अब दुख मत पहुँचाए। अभी मैं आने से पहले एक वीडियो सुन रहा था, किसी ने मुझे बड़ी बढ़िया सी वीडियो डाली, इन सब चीज़ों से सीखने को मिलता है। ये कोई पैसे वाली नारी अपनी काम करने वाली नौकरानी को और अपने बेटे को लेके वो बाजार में शॉपिंग करने के लिए गए, खरीदारी, उसके ऊपर 100 थैले लाद दिए, लोड कर दिए, और जब वो लौट रहे थे बाजार से तो एक रेस्टोरेंट में उन्हें भोजन करना था, और वो सेठानी बैठ गई, बगल में उसका बेटा बैठ गया, बेचारी वो नौकरानी भी बैठ गई, बगल में कुर्सी पड़ी थी, और जैसे वो कुर्सी पर बैठी तो इस स्त्री ने उसे कितनी गालियाँ दी, कहते तेरी इतनी औकात है हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो हमारे बराबर बैठती है तू है क्या, तू हम लोगों का स्टेटस जानती है, हम कितने बड़े लोग हैं, तुम बड़े हो ये दूसरे लोग कहें तो ही ठीक है, तुम खुद में अपने आप को बड़े मानोगे तो ईश्वर को फुटपाथ पर भी सुलाने में बिल्कुल देर नहीं लगती। और रेस्टोरेंट का मैनेजर ये पूरा देख रहा था उसको, वो खड़ी खड़ी रो रही थी, कुर्सी से वो खड़ी हो गई, और उसको वो सेठानी बोलती है कि बाहर गेट पर हमारा इंतज़ार करती रहना, मैं आवाज़ लगाऊं तो एक मिनट में आ जाना, देर मत कर लेना नहीं बहुत ठोकाई पिटाई तेरी होगी। उसकी आंख में आंसू आ रहे थे, वो मैनेजर समझा रहा है, वो कहता है इसने गलती क्या करी है, इसकी गलती तो बताइए, कहा हम करोड़पति लोग हैं और ये दो कौड़ी की स्त्री और हमारे बगल में बैठ गई। वो मैनेजर वो समझाता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, आप रेस्टोरेंट में एक गरीब का तुम अपमान कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो हाथ जोड़ती हुई सेठानी के बाहर गेट पर पहुंच गई, खड़ी खड़ी रो रही थी, मैनेजर से रहा नहीं गया, मैनेजर पहुंचा, मैनेजर ने जाके कहा बहन इस रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी वाली जो थाली है वो तुम्हारी होगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वो डर रही है लेकिन मैनेजर उसको जबरदस्ती से ले आया, उसको बिठाया चेयर पर, उसको बिठाया, उसने देख लिया उस करोड़पति स्त्री ने आकर के वो लड़ने लगी। उस समय मैनेजर ने कहा तुम्हें लाज आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, और उसने अपने चौकीदार को बुलाया और कैसे अपमान के साथ उस स्त्री को रेस्टोरेंट से बाहर निकाला। सीधी सी बात है कि आप सम्मान दोगे तो पूरी दुनिया में आपको सम्मान मिलेगा, हमें वही तो मिलता है जो हम दे रहे हैं। कोई सरकारी आदमी है उसने गवर्नमेंट की 40 साल नौकरी ली तो उसको जो फंड बाद में मिलता है वो क्या है, उसी का तो कट के जमा हो रहा है। आपको इस प्रकृति में जो मिल रहा है वो वही है जो आपने दिया है, जो आपने जमा किया, और कुछ नहीं। मुझे मिल रहा है कि आपको मिल रहा है कि किसी तीसरे को मिल रहा है, वही है जो आपने जमा किया। ये तो दोस्त देते हैं, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं, नहीं कुछ नहीं है। ये सब हमारे प्रणाम, आपके बच्चे अच्छे हैं तो आपके पुण्य ही औलाद के रूप में